वो है चेंगिस। तो फाइनली दोस्तों, ईद के मौके पर या फिर यूं कहो कि 21 तारीख को सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ बंगाली फिल्म चंगेज को भी रिलीज किया गया था। और कंधे से कंधा मिलाकर चंगेज ने टक्कर देने की कोशिश तो बहुत करी है भाईजान को, जिसमें बंगाली सिनेमा के बिग स्टार जीत लीड रोल में हैं और एक रीजनल फिल्म को बॉलीवुड वाला वाइब जबरदस्त दे रहे हैं। तो आज जानेंगे कि कौन सी फिल्म पब्लिक को ज़्यादा पसंद आ रही है, क्या बंगाली सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा को टक्कर दे पा रहा है, कौन सी मूवी कितनी कमाई कर रही है, कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फ्लॉप, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे बंगाली सिनेमा की। दोस्तों, अमेजिंग डेब्यूट कर रही फिल्म चंगेज की। जी हाँ दोस्तों, जीत बंगाली सुपरस्टार के लीड रोल में बनने वाली फिल्म चंगेज, जिसको डायरेक्शन राजेश गांगुली ने किया है। आगे बढ़ने से पहले हैट्स ऑफ यार डायरेक्टर साहब को, मानना पड़ेगा एक कम बजट में बनने वाली फिल्म को क्या अमेजिंग डायरेक्शन दी है, जो सीधा बॉलीवुड को सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रहा है, एक लेसन भी दे रहा है कि काम करने के लिए ज़्यादा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती है, बस जबरदस्त मेहनत और लगन होनी चाहिए। यस, चंगेज को लगभग 5 से 6 करोड़ के बहुत छोटे बजट में बनाया गया है। और तो दाद दूंगा प्रोड्यूसर को कि इतने छोटे बजट में फिल्म बनने के बावजूद, साथ ही बंगाली सिनेमा का फर्स्ट डेब्यूट पूरे इंडिया में और दिन चुना सलमान भाई के फिल्म रिलीज होने के दिन, कमाल का कॉन्फिडेंस है, हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से। और इस जबरदस्त एटीट्यूड के साथ अपने पहले दिन अमेजिंग रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी। जी हाँ, लगभग 1 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने पहले दिन से ही किया। बता दूं तो सुपरस्टार जीत के साथ सुष्मिता चटर्जी और रोहित रॉय जैसे दिग्गज स्टार के साथ फिल्म को सजाया गया है, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ फिल्म को अपने पहले दिन लगभग 750 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जो कि अपने पहले दिन एक अच्छी ओपनिंग तो ली थी, साथ ही अपने दूसरे दिन यानी ईद के दिन ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिलने के साथ एक भयंकर बूस्ट मारा और लगभग 2 करोड़ का बिग कलेक्शन किया अपने दूसरे दिन। बात करें तीसरे दिन की, फिर जबरदस्त ट्रेंड करते हुए लगभग 2 करोड़ का बिग कलेक्शन तीसरे दिन भी मारा और शुरुआती 3 दिन में लगभग 5 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा और लागत को वसूल बड़ी आसानी से कर लिया और अपना नाम हिट लिस्ट में दर्ज कर लिया है। बात करें आज यानी D4 में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यस, आज ही मॉर्निंग से ही जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट तो था ही, साथ ही 35 लाख का एडवांस अपने खाते में रखा था और शायद एंड ऑफ द डे 80 लाख तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। और इसी के साथ चंगेज एंड ऑफ द डे शायद से शायद 5 करोड़ 70 लाख का टोटल आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन वही बात करें दूसरी फिल्म यानी किसी का भाई किसी की जान की, तो यस, सुपरस्टार सलमान खान बॉलीवुड के सुल्तान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने आज 3 दिन कंप्लीट करके 4th दिन में एंट्री मार ली है और अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर लिया है, वो भी शानदार तरीके से। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जबरदस्त तांडव कर रही है सिनेमाघरों में, साथ ही बॉक्स ऑफिस में भी। हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट करके फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई रोज अपने खाते में रखी है। इतना तो है, सलमान भाई को अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। दूसरा, मूवी बहुत जबरदस्त है, सम ऑफ पार्ट एक्शन ने जनता का दिल लूट लिया है। एक्शन में जो डायरेक्शन हुआ है एक नंबर है भाई साहब, बाकी स्टोरी में इतना भी दम नहीं है, लेकिन सलमान भाई के एटीट्यूड ने, भाईजान के स्टारडम ने लोगों को पागल कर रखा है थिएटर में। मूवी बिल्कुल एवरेज है, लेकिन एंट्री ऑफ सलमान एवरी टाइम मेक्स मूवी बिलियनेयर। दूसरा, क्रिटिक्स को मिलाकर मिक्स रिव्यूज के साथ साथ अमेजिंग ग्रोथ रोज देखने को मिल रही है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में। जी हाँ, मूवी को फराज सामजी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है। बता दूं तो मूवी को इंडिया में लगभग 4500 से ऊपर स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, वहीं पूरी दुनिया में लगभग 5700 से ज्यादा स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन से। इसी के साथ फिल्म ने एक बम्पर ओपनिंग भी मारी। बता दूं तो अपने पहले दिन में ही इंडिया से लगभग 15 करोड़ का ऊपर बिग कलेक्शन करते नजर आई। दूसरा, ओवरसीज में भी फिल्म धमाल मचाते हुए नजर आई। भाईजान की फिल्म ने लगभग 16 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया और टोटल कलेक्शन पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया अपने पहले दिन में ही। और दूसरे दिन भी लगभग इंडिया से 28 करोड़ का बिग कलेक्शन करते हुए पहले 2 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 43 करोड़ तक सेट कर दिया था और दूसरे दिन पूरी दुनिया से 40 करोड़ तक की कमाई करके पहले 2 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया था। बता दूं तो मूवी को बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है, जिसमें आपको पूजा हेगड़े, वेंकटेश डगुपति, जगपति, शहनाज गिल, राघव जुयाल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। जहां दोस्तों, मूवी को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं अपने पहले दिन से ही, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। बात करें कल्याणी तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, कल अपने फर्स्ट संडे में लगभग 29 करोड़ तक का आंकड़ा सेट किया था इंडियन बॉक्स ऑफिस से और इसी के साथ पहले 3 दिन
का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ के आसपास टच कर लिया था। लेकिन बात करें पहले तीन दिन वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो यस लगभग 120 करोड़ के ऊपर आंकड़ा टच कर लिया था। बात करें आज यानी डे फोर में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यस आज की एडवांस लगभग 2.5 करोड़ कलेक्ट करते हुए मॉर्निंग शोज में 12% तक की ऑक्यूपेंसी के साथ जबरदस्त ग्रोथ कर रही थी। साथ ही आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छा ग्रोथ कर रही थी। तो एंड ऑफ द डे लगभग में लगभग कमाई 8 करोड़ तक के आसपास टच करते नजर आ रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ा 14 से 15 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया से पहले 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 135 करोड़ तक टच कर लेगी किसी का भाई किसी की जान। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। ये आप लोग बताएंगे कि क्या चेंगेज और भी ज्यादा कमाई कर सकती थी अगर भाईजान के सामने रिलीज नहीं करा जाता तो, या फिर बंगाली सिनेमा को सलमान के सामने डेब्यूट करने का ये गोल्डन चांस था। दूसरा, अगर आप लोगों ने दोनों फिल्में देखनी हैं तो आपको बेस्ट कौन सी लगी? क्या बंगाली सिनेमा बॉलीवुड को टक्कर दे पा रहा है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।